हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ शब्बीर हुसैन एंड यू आर वाचिंग फिजियो टॉक। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे मम्स के बारे में। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि मम्स कंडीशन क्या होती है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है और किस तरीके से आप मम्स से बचाव ले सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों, मम्स जिसको कि पेरोटाइटिस के नाम से भी जाना जाता है, यह बेसिकली एक वायरल इन्फेक्शन होता है जिसमें जो हमारे सलाइवरी ग्लैंड होते हैं यानी कि जो पेरोटिड ग्लैंड होते हैं उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है। इसके सिम्टम्स में आपको फीवर देखने को मिलेगा, हेडेक देखने को मिलेगा, मसल पेन देखने को मिलेगा। जो हमारे पेरोटिड सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं उनके अंदर स्वेलिंग आपको देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं इसका डायग्नोसिस कैसे किया जाता है। डॉक्टर्स यूरिन एग्जामिनेशन कर सकते हैं, ब्लड एग्जामिनेशन कर सकते हैं और आपका पता लगा सकते हैं इस बीमारी का। दोस्तों, अब बात करते हैं इसका इलाज कैसे किया जाता है। इसके इलाज के लिए डॉक्टर्स नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स आपको देखते हैं, साथ ही एनाल्जेसिक्स आपको देखते हैं पेन कम करने के लिए, हेडेक कम करने के लिए, फीवर कम करने के लिए। दोस्तों, MMR वैक्सीन के ज़रिए से आप मम्प से बचा जा सकता है। अगर आपने MMR वैक्सीन है ली है तो आपको मम्प्स कंडीशन नहीं होगी। इसलिए खास ध्यान रखा जाता है जब बच्चों को वैक्सीन दी जाती है तो MMR वैक्सीन सजेस्ट की जाती है जिससे मम्प्स से बचाव हो सके। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताया मम्प्स के बारे में। क्या आपको मम्प्स के बारे में जानकारी पता थी? नीचे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फिजियो टॉक।